हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल सुमी स्टाइल। गाइस, आज का मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ ये मेकअप लुक। जैसे कि अभी विंटर स्टार्ट हो चुका है, तो बहुत ही बेसिक चीजें 300 रैक से कि आप मेकअप में वो चीज करना चाहिए जिसकी वजह से आपका मेकअप थोड़ा सा शाइन करे, और जो चीज आप अदर मौसम में यूज कर रहे थे तो विंटर में किस तरह से उसको थोड़ा सा चेंज करना है, तो उसके लिए ये स्पेशली एकदम सिंपल एंड ईजी एंड बेसिक मेकअप है, स्पेशली फॉर बिगिनर्स के लिए है। अगर इससे रिलेटेड आपको कुछ भी क्वेश्चन है या क्वेरीज है तो आप मुझे प्लीज कमेंट कर सकते हो या फिर डायरेक्ट मुझे डीएम कर सकते हो मेरे इंस्टा पे, ठीक है। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज मेक श्योर उसे लाइक जरूर कीजिए, शेयर कीजिए एंड कमेंट कीजिए कि आपको कौन से व्यूज या कौन से हैक्स या कौन सा मेकअप के बारे में आपको जानना है। देखिए, मैं पहले भी बता चुकी हूँ गाइज के आई नो मेकअप में जो बहुत ज्यादा इंटेंस चीज होती है वो होता है आई मेकअप, जिस तरह से आप देख रहे होंगे बहुत ही इजी और सिंपल मैंने क्रिएट करने का ट्राई किया है ताकि जो बिगिनर्स है वो भी अच्छी तरह से उसे लगा सके। और जो मेरे सब्सक्राइबर बहुत सारे जो मेरे फ्रेंड्स हैं वो जानते होंगे कि जल्दी से जो मैं आईब्रोज है वो नहीं करती हूँ, तो जिनकी आईब्रो मेरे जैसी है जो बहुत ठीक है मोटी है और जो आईब्रोज नहीं करते हैं तो उनके लिए वो मेकअप किस तरह से लगेगा, तो उनके लिए ये मेकअप मैं क्रिएट करती हूँ और आई मेकअप करती हूँ। यू कैन सी कि अगर जिन्होंने आईब्रो नहीं करते हैं, ठीक है, कोई भी रीजन उनको करना पसंद नहीं है या परमिशन नहीं है कोई भी रीजन से, तो उनके ऊपर जो आई मेकअप है वो किस तरह से दिखेगा, तो वो रीजन से मैं ये मेकअप आपको बताती हूँ ताकि आई मेकअप देख सके कि जो आईब्रोज नहीं करते वो किस तरह से। तो इस वीडियो में बहुत सारे मेकअप से रिलेटेड आपको हैक्स मिलेंगे, किस तरह से आपको ब्लशर कितना कैसे यूज करना है, हाइलाइटर किस तरह से करना है, तो मेक श्योर आप वीडियो को जरूर पूरा देखें ताकि कोई भी जो पॉइंट्स आपसे वो मिस ना हो। गाइस, मेक श्योर सबसे पहले आप मॉइस्चराइजर लगाएंगे जरूर, और मॉइस्चराइजर आपको कोई भी जेल फॉर्म में नहीं लेना है, थोड़ा सा जो थिक फॉर्म होता है ना वो थिक थोड़ा सा आपको ये मॉइस्चराइजर यूज करना है और अच्छी तरह से लगाना है, और एटलीस्ट 5 मिनट तक उसको वेट करना है, उसके बाद ही मेकअप स्टार्ट करना है। उसके बाद में आपको लिप बाम है, वैसलीन है, जो भी आप लिप पे यूज करते हो वो आपको लगाना है स्पेशली फॉर विंटर। और नेक्स्ट आपको लगाना है प्राइमर, या आप स्किप भी कर सकते हो अगर आप नहीं यूज़ करते तो, लेकिन लगाएंगे तो बहुत ही बेटर रहेगा। अगर आप फाउंडेशन यूज़ करें तो मेक श्योर आप प्राइमर ज़रूर यूज़ करें। आप देख सकते हो मेरे अंडर आइज में, अपर लिप में और यहाँ पे थोड़े से दाग से, तो उसके लिए पहले यहाँ पे यूज़ करेंगे हम लोग। आप कॉन्ट्रिंग कर सकते हो या फिर आप जो कंसीलर है पहले वो यूज़ करना है आपको, अच्छी तरह से इसे ब्लेंड करेंगे गाइस स्पंज की हेल्प से, स्पंज को थोड़ा सा वेट करेंगे, थोड़ा सा गीला करने के बाद अच्छी तरह से उसको स्प्रेड करेंगे पूरे फेस पर, डैप डैप करके आपको करना है। उसके बाद में आपको यहाँ पे गाइस यहाँ पे विंटर में आपको यूज़ करना है तो फाउंडेशन यूज़ करेंगे, अगर तो आप लिक्विड फाउंडेशन कभी भी यूज़ कीजिए, उसमें आपको सीरम ऐड करना है। अगर आपके पास में सीरम नहीं है तो आप ग्लैसरीन यूज़ कर सकते हो, सिर्फ आपको 2 ड्रॉप डालना है आपके फाउंडेशन में ताकि उससे अच्छी शाइन आती है और आपका जो फेस है काफ़ी अच्छे नज़र आएगा, एकदम ग्लो करेगा। तो इस तरह से आपको पॉइंट्स लेना आपके पूरे फेस पे, और उसके बाद में स्पंज की हेल्प पे अच्छी तरह से उसको डैप डैप करके ना पूरे फेस पे लगाएंगे। यू कैन सी फेस अभी से कितना शाइन कर रहा है, अभी मेकअप कम्प्लीट भी नहीं हुआ है, तो ये स्पेशली फॉर विंटर्स के लिए, तो इस बहुत ही काफ़ी अच्छा लगता है गाइस इस तरह से, अगर आप ग्लिसरीन या फिर सीरम आप अपने फाउंडेशन में अगर यूज़ करते हो तो। ब्लेंड करने के बाद गाइस आपको यहाँ पे लूज पाउडर यूज़ करना है, कोई भी आपके पास में कॉम्पैक्ट होगा या बनाना पाउडर होगा वो यूज़ करना है। अब यहाँ पे सिर्फ मैं पूरे फेस पे नहीं लगा रही हूँ, सिर्फ आइस पे लगा रही हूँ, बिकॉज अभी भी इसके बाद में आई मेकअप स्टार्ट करने वाली, फेस पे हम बाद में लगाएंगे, ये चीज़ याद रखिए गाइस। तो बहुत ही बेसिक आई मेकअप करूँगी, बहुत ही सिंपल होगा। सबसे पहले कोई भी कलर लेकर आपकी चॉइस का, आप क्रीज लाइन पे आपको इस तरह से आपको ब्लेंड करना है, और मिडल में जो भी आपको चाहिए जैसे कि बेसिक गोल्ड होता है, सिल्वर होता है या आपके ड्रेस के मैचिंग का, वो यूज़ कीजिए, और फिर कॉर्नर में इस तरह से डार्क जो शेड होता है उसी का डार्क शेड वो यूज़ कीजिए, और अच्छी तरह से उसको ब्लेंड कीजिए ताकि आई मेकअप बहुत ही अच्छा और इंटेंस नज़र आए और मिडल में से वो शाइन करे। उसके बाद में आप यहाँ पे जो लाइनर है आप अपनी चॉइस का यूज़ कर सकते हो, जेल लाइनर है, पेंसिल लाइनर है, जो भी आप जिसमें कंफर्टेबल हो वो लाइनर यूज़ कर सकते हो। कैन सी ज़्यादा विंग्स नहीं बनाना है, नॉर्मल नॉर्मल रखना है। उसके बाद में यहाँ पे मस्करा बहुत ही मस्ट है, ज़रूरी है,
फॉल आई लैशेस आपको विंटर में ज़्यादा लगाने का आई थिंक सो ज़रूरत नहीं होगा, बिकॉज आप अगर मस्कर अच्छे से लगाते हो दो कोट में थ्री कोट में, तो आपके जो पलके काफ़ी अच्छी लगती है, यू कैन सी, आप देख सकते हो। उसके बाद में पूरे फेस पे आप उसको अच्छी तरह से लूज पाउडर यूज़ करेंगे, जो कि पहले हम लोग ने यूज़ नहीं किया था। थोड़ा सा मेरा आवाज़ बहुत ही ख़राब हो रहा है गाइस, उसके लिए सॉरी। आप नेक पर बिल्कुल भी ना भूलें, आप नेक पे भी यूज़ कीजिए जिस तरह से मैं यूज़ कर रही हूँ। उसके बाद में ब्लशर की लगाएंगे, और ब्लशर मैं आई मेकअप से ही लगा रही हूँ, और स्पेशली विंटर में गाइस बहुत ही डार्क ब्लशर लगाइए, एकदम पिंक में तो काफ़ी अच्छा लगता है, उठ के आता है, यू कैन सी। थोड़ा सा डार्क शेड में आपको नज़र आना चाहिए, तो यू नो विंटर में एकदम डार्क पिंकी पिंकी बहुत ही सॉफ्ट एकदम चीक्स आपके लगेंगे, बहुत ही अच्छा लगेगा, लुक वाइज काफ़ी अच्छा लगेगा। उसके बाद मैं यहाँ पे ब्रॉन्जर यूज़ कर रही हूँ मेरे नोज़ पे, फोरहेड पे, और थोड़ा सा यहाँ पे लिप्स के पास, ताकि लिपस्टिक आप जब लगाओगे तो थोड़ा सा वो शाइन करना चाहिए। उसके बाद आपको फिर से आपको यहाँ पे वैसलीन लगाइए, या फिर लिपस्टिक के साथ में आप लिप ग्लॉस यूज़ कीजिए। यहाँ पे मैं हुदा का लिपस्टिक यूज़ कर रही हूँ, माय फेवरेट पार्ट है पूरा मेकअप में लिपस्टिक, कैन सी। आप उसके बाद में लिपस्टिक लगा सकते हो, कोई भी आपका चॉइस का। और लास्ट में आपको यहाँ पे मेकअप फिक्सर यूज़ करना, इस तरह से थोड़ा सा दूर से यूज़ करेंगे गाइस, और फिक्सर यूज़ करने के बाद में स्पंज के हेल्प से उसको अच्छी तरह से पूरे फेस में ना स्प्रेड करेंगे, ताकि कोई भी यहाँ पे हार्ड पॉइंट्स ना हो, और अच्छी तरह से मेकअप आपका फेस पे ब्लेंड हो जाए, और फेस एकदम इक्वली लगे और काफ़ी अच्छा लगे, कोई भी ना चीज़ एकदम नज़र में ना आए, उठ के ना लगे। तो यू कैन सी, आप देख सकते हो कितना फेस शाइन कर रहा है, और विंटर के हिसाब से बहुत ही परफेक्ट मेकअप है। तो ये दो तीन जो चीज़ें हैं जो एक्स है, आप याद रखिए, तो आपका मेकअप जो विंटर में बहुत अच्छा लगेगा, और आपकी स्किन हाइड्रेट रहेगी, और आपका फेस भी अच्छी तरह से ग्लो करेगा। ठीक है, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज, एंड प्लीज मेक श्योर मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।